तो इस टीवी को अनबॉक्सिंग कर दिया है, बॉक्स में से निकाल दिया है और आप देख सकते हो इसका किस तरह से ये दिखती है। और पीछे से ये इस तरह से रहेगा, स्टैंड के साथ में है, वॉल माउंट भी आया है इसमें और एकदम फ्रेश पीस है। इसके ऊपर इन्होंने ये देखो स्क्रीन के ऊपर इन्होंने ये प्रोटेक्शन के लिए पूरा अच्छे से दिया है। ऑल लुक्स गुड फॉर दिस टीवी। तो अब इसका श्री गणेश करने वाले हैं हम लोग। तो गाइस इसको हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है और इसका वायर भी काफ़ी लंबा है तो इसको हम स्टार्ट कर दिया इसको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज के अंदर टीवी यूनिट है, इसके साथ में ये रिमोट है। तो आई थिंक रिमोट को पेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लूटूथ रिमोट है। तो इसके अंदर इसको पेयरिंग बैटरी मैंने इंसर्ट कर दी है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा रिमोट वर्किंग है या नहीं है। जब आप कोई भी की को प्रेस करेंगे, ये पूरी डार्क स्क्रीन है, तो आप की को प्रेस करेंगे तो इसमें आपको वो लाइट दिखाई देगी थोड़ी सी, क्योंकि इसका मतलब ये वर्किंग है रिमोट। अब इसको पेयरिंग बाकी है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ इसको बटन है तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप ब्लू कलर की लाइट अभी लग रही है और प्रोडक्ट का सिंबल है, ये स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग यूज़र मैनुअल के अंदर जो चीज़ें दे रखी है, तो क्योंकि मैं यूजर मैनुअल को अच्छे से मैंने गो थ्रू किया है और इसके अंदर जो जो बेसिक स्टेप्स है वो मुझे अच्छे से याद भी है, सो आई विल फॉलो द सेम स्टेप्स इन द सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो अभी वेट करते हैं, इसको लोड होने देते हैं। ये हमने ये रिमोट रेडी है, तो फिर भी इसकी पेयरिंग देख लेते हैं हम कि इसका ये प्रॉपरली पेयर्ड है या नहीं है। तो रिमोट एंड एक्सेसरीज, तो इसके अंदर आई थिंक टीवी बी एल ई रिमोट ये ऑलरेडी पेयर्ड है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे बाहर आते हैं। और अब सबसे पहले जो गूगल का कोई अकाउंट वगैरह है तो इसको रजिस्टर करें, लेकिन अभी मुझे ये सब रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो के अंदर, वो मैं बाद में कर लूँगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट यूट्यूब का, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, ये यूट्यूब इंस्टॉल रहता है और प्राइम वीडियोज़ भी है। तो इसका जो डिस्प्ले का क्वालिटी किस तरह से है और इसका साउंड का क्वालिटी है वो चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर डिस्प्ले क्वालिटी के लिए जो 4K जो कंटेंट है वो मैं इसमें स्टार्ट करूँगा, एंड देन उसके बाद में हम लोग कोई भी अपने कोई भी गाना शुरू करेंगे, उससे उसके साउंड की क्वालिटी कैसी है वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो लेट मी कनेक्ट विद वाईफाई। तो मेरे पास वाईफाई के दोनों बैंड है, आप देख सकते हो 4G एंड 5G का, सो 2.4 GHz एंड 5 GHz बहुत है। इसीलिए ड्यूल बैंड की जो कनेक्टिविटी है वो अभी के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट सभी जितनी भी जो टीवीज हैं एंड्रॉयड टीवी हैं उनको अभी अपने 5G के हिसाब से जो 5 GHz के जो बैंड के हिसाब से ही उनको अपने मॉडल में चेंजेस करने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो ड्यूल बैंड है 5 GHz का उसको मैं कनेक्ट कर सकते हैं, इथरनेट की भी फैसिलिटी है, तो दिस इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली। सो अपना टीवी एंड्रॉयड टीवी अब कनेक्ट हो गया इंटरनेट से है। अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट अपने यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब के अंदर मैंने प्रेस किए ये जो हॉट की इन्होंने दे रखी है रिमोट पे, तो मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है बट गेस्ट अकाउंट के अंदर ये चलेगा। तो सबसे पहले वी गो थ्रू द 4K कंटेंट फर्स्ट। तो अभी मेरे पास ये 8K अल्ट्रा HD कंटेंट है, लेट मी डिस्प्ले क्वालिटी किस तरह से है। तो मैंने इसका वॉल्यूम जो है म्यूट कर दिया है, उसका जो साउंड की क्वालिटी वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो कंटेंट ये 8K का जो, तो अब आप देख लीजिए। तो और दूसरी बात ये भी, इसके अंदर ये जो मैंने स्क्रीन हटाई नहीं है प्रोटेक्शन की, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। ₹43 का है ये, और चूंकि 4K सपोर्ट करता है, अभी मैं आपको दूसरे किसी कंटेंट में लेके जाता हूँ और जो 4K कंटेंट है वही।
व्यूइंग जो एंगल है वो चेंज करता हूँ। अभी मैं करीब करीब होऊंगा तो ऑलमोस्ट 175 डिग्री पे हूँ। 175 है मेरा व्यूइंग एंगल। तो अब आप देख सकते हो आईपीएस पैनल है ये, तो कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें देखने में कोई चेंजेज आ रहा है। हल्का सा आप देख सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी जो वीए पैनल में जिस तरह से होता है साइड जो व्यूइंग वो उस तरह से नहीं है इसमें। तो आईपीएस पैनल का ये फ़ायदा है। तो अभी आपको मैंने 4K कंटेंट बता दिया। मुझे पर्सनली कहे तो मुझे ये मैंने पसंद किया इसको अच्छे से, और ये मुझे मतलब इसका जिस तरह से कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, जो क्वालिटी है डिस्प्ले का, तो काफ़ी बढ़िया है। तो आप देख सकते हो इसकी ग्रीनरी वगैरह, आप देखो ये काफ़ी अच्छा। तो बाकी तो जैसे जैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो डिस्प्ले के अंदर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसका, ठीक है ना। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके जो साउंड की क्वालिटी कैसी है। तो मैं एक दो तीन सॉन्ग है वो मैं स्टार्ट करूँगा, तो साउंड की क्वालिटी आप देख लीजिए किस तरह से 40 वॉट के जो आउटपुट साउंड है, तो 40 वॉट के अंदर किस तरह का ये क्वालिटी है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इसकी जो वॉल्यूम है 50% ही है।
है तनिषा और मुझे ये टीवी बहुत ही अच्छी लगी और इसकी साउंड क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी है, तो मुझे तो ये टीवी अच्छी लगी, दिखने भी बहुत अच्छी है। तो गाइस टीवी का जो कोडक का जो 43 इंच का 7X Pro सीरीज जो कि अल्ट्रा HD का इन्होंने कोडक ने लॉन्च किया है 2021 में दिसंबर में ही, तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया है और अलोंग विद द इंस्टॉलेशन एज वेल इसका हमने डिस्प्ले का जो क्वालिटी है IPS पैनल है और जैसे 4K रेजोल्यूशन जो है उसके हिसाब से हमने कंटेंट डिस्प्ले किए, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और इसके अंदर ड्यूल बैंड जो वाईफाई कनेक्टिविटी है, इसके अलावा 8GB का जो स्टोरेज है जिसके अंदर 4GB मिल रहा है, ऑब्वियसली 4GB उसके अंदर इंटरनल स्टोरेज में काम आ रहा है इसके अंदर। और इसका जो साउंड जो क्वालिटी है वो 40W जो आउटपुट स्पीकर्स है, तो 40W बहुत ही अच्छा है, जैसे आप देख सकते हो मैंने इस वीडियो के अंदर भी इसका जो क्वालिटी कैसा है साउंड का, तो उसमें मैंने 2-3 वीडियोज जो साउंड के लिए साउंड चेक करने के लिए 2-3 मैंने वीडियोज स्टार्ट किए थे और उसमें आप देख सकते हो क्वालिटी। और ओवरऑल जो टीवी मुझे बहुत अच्छी लगी है और फिर देखते हैं इसके अंदर रिव्यू और टाइम टू टाइम मैं आपको रिव्यू दूंगा, मे बी आफ्टर 1 वीक अगेन आई विल कम बैक टू यू और विद द न्यू वीडियो और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस इसको देखने का कैसा रहा है और मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है। और आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट की सर्विस बहुत ही अच्छी है एक्चुअली, और फ्लिपकार्ट ने विद इन डे उन्होंने मुझे ये टीवी प्रोवाइड करवा दिया और आज न्यू ईयर पे 2022 का जो 1 जनवरी है उसी दिन मुझे ये टीवी मिल गया, तो हम नया साल इस टीवी के साथ में शुरू करने वाले हैं और इसकी बेहतर डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के साथ आई थिंक मेरे बच्चों को भी पसंद ही है। और ये मेरे हिसाब से इस टीवी को आउट ऑफ 5 इसको मैं दे सकता हूँ, 4 रेट कर सकता हूँ एंड वैल्यू फॉर मनी है। आपको 24,000 के अंदर 4K भी मिल रहा है, आपको IPS भी मिल रहा है, ड्यूल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी और रिसेंट मॉडल लॉन्च हुआ है, ब्रांड भी अच्छी है, सब कुछ ये सब चीज़ें आपको इस टीवी के अंदर मिल रही है। तो आपको यदि आपको इस बजट में जाना है देन यू कैन गो फॉर दिस टीवी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।